श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी, कक्षा 9, विषय जीव विज्ञान, पाठ 1 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसमें भाग 1 में लेसन 1 है, पाठ 1 है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अब इसके बाद कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कोशिका है क्या? कोशिका का जो अंग्रेजी होता है सेल, CELL, सेल मीन्स कोशिका। अब कोशिका की परिभाषा क्या है इसको देखिए, क्या होता है कोशिका। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पुनः परिभाषा सुनिए, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोशिका जो है, चाहे वह पौधे हों चाहे जंतुएं हों, इनकी जो छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। जैसे किसी दीवार की छोटी इकाई एक ईंट मानी जाती है, एक ईंट के मिलने से जो है किसी दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से जीव शरीर की रचना का निर्माण जो है सबसे छोटी इकाई कोशिका से होता है। कोशिका आपस में मिलते हैं तो ऊतक बनाते हैं, ऊतक जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, कई अंग जब मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर के कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र, ये तीनों मिलकर के जीव शरीर की रचना का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जो है देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया और किसने किया। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सर्वप्रथम जो है कोशिका को देखा, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत। इसकी अंग्रेजी होती है सेल थियरी। सेल थियरी मीन्स कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अनुसार पहला है, सभी जीवधारियों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वह जंतु हो चाहे पौधे हो, इनके शरीर का निर्माण जो है छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। नंबर 2, कोशिका जीवधारी के शरीर की मूलभूत इकाई मानी जाती है। कोशिका जो होती है वह जीवधारियों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है। जिस प्रकार से किसी दीवार का निर्माण जो है ईंटों के मिलने से होती है, तो दीवार की छोटी इकाई एक ईंट मानते हैं, उसी प्रकार से जीवधारी के शरीर के सबसे छोटी इकाई जो है मूलभूत इकाई, जिसे हम मूलभूत इकाई कहते हैं, वह जो है कोशिका मानी जाती है। तीसरा, कोशिकाएं आनुवंशिकता की भी इकाई होती
है। कहने का तात्पर्य जो है, जीवधारियों का जो गुण होता है वह जो है अनुवंशिकी गुण होता है, अनुवंशिकी गुण होता है। कोशिकाएं, अब यहाँ देखिए, कोशिकाएं अनुवंशिकता की भी इकाई होती है। जिस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार से जीव शरीर के रचना का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे कि कोशिकाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार का इकाने का तात्पर्य है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। संरचना या संगठन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, अंग्रेजी होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की स्पेलिंग होती है PROKARYOTIC सेल्स, CELLS। दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसका जो स्पेलिंग होता है यूकैरियोटिक सेल्स, EUKARYOTIC सेल्स, CELLS। अब आगे देखेंगे, कोशिकाएं दो प्रकार की हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विश्लेषण करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ देखिए इन कोशिकाओं में केंद्रक कला के अभाव के कारण, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला के अभाव के कारण संगठित केंद्रक नहीं होता है। इन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया, लवक, तारक का, गालजी का, इसके अलावा आदि कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जैसे उदाहरण, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो उदाहरण होता है, पहला है जीवाणु, दूसरा जीवाणु की अंग्रेजी होती है बैक्टीरिया, दूसरा है नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। नीले का स्पेलिंग होता है ब्लू, हरे का होता है ग्रीन, शैवाल का एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला उदाहरण है जीवाणु, दूसरा है नीले हरे शैवाल आदि। इन सब में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, साधारण शब्दों में जानिए कि कोशिकाएं तो दो प्रकार की हुई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। अतः केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य एक दूसरे से मिले होते हैं। इन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया, लवक, तारक का, गालजी का, इसके अलावा भी अन्य अंग होते हैं, जैसे अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, सेंट्रोजोम, रिक्तिका, ये सब भी जो है कोशिका के अंग, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको सम्मिलित रूप से कोशिकांग कहा जाता है।
इसका उदाहरण इसका उदाहरण जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है आदि। अब दूसरा जो है, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्रक कला की उपस्थिति के कारण इन कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है। इनमें माइटोकांड्रिया, लवक, तारककार, गाल्जीकार आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया, लवक, तारककार, गाल्जीकार आदि कोशिकांग नहीं पाया जाता था, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक, तारककार, माइटोकांड्रिया, गाल्जीकार आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। ये जो है विकसित कोशिकाएं होती हैं। दूसरा नाम दे सकते हैं विकसित कोशिकाएं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम है प्रारंभिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम विकसित कोशिकाएं होती हैं। अब आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें दो लाइन बनाएंगे, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखेंगे, दूसरे तरफ यूकैरियोटिक कोशिका लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए पहला जो अंतर है, संगठित केंद्रक पाया जाता है, इसमें संगठित केंद्रक नहीं होता है, इसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है। संगठित का तात्पर्य इसमें जो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होती है इसमें नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे संगठित कहते हैं, इसे संगठित नहीं कहते हैं। दूसरा है लवक। दूसरा लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्जीकार आदि अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्जीकार आदि अंग पाए जाते हैं। तीसरा जो है राइबोसोम, 70S प्रकार के होते हैं, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वह छोटा होता है, 70S। 70S यस का पूरा नाम है सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट, अवसादन गुणांक हिंदी होता है, सेंडिमेंटेशन कोफिशियंट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा दूसरा छोटा। तो तीसरा जो है क्या है, राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, इसमें राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। चौथा है श्वसन क्रिया जीव द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन क्रिया होती है वह जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या अंग्रेजी होता है, प्रोटोप्लाज्म, या इसे जो है साइटोप्लाज्म भी अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें श्वसन क्रिया जीव द्रव्य में होता है। इसमें जो है यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। पुनः एक बार देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक पाया जाता है। दूसरा है लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्जीकार आदि अंग नहीं पाए जाते, इसमें है लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्जीकार आदि अंग पाए जाते हैं। तीसरा जो अंतर है, राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं, यानी यह छोटा राइबोसोम होता है, यह बड़ा होता है। चौथा है श्वसन क्रिया
जीव द्रव्य में होता है, श्वसन क्रिया माइटोकांड्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आगे की चीज अगले दिन पढ़ाया जाए।